इस मजेदार और रोमांचक से भरी कहानी की शुरुआत होती है लियो नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो किसी चाइनीज बैंक से चोरी करके भाग रहा था। दरअसल लियो ने कुछ इम्पोर्टेंट चीज वहां से ले ली होती है जो कई सालों से रखी गई थी, लेकिन अब होना क्या था, लियो के पीछे कई सारे पुलिस ऑफिसर्स पड़ जाते हैं जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लियो तो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा और सीधा एक पेड़ पर जाकर छुप गया। वहां पर अब कई सारे पुलिस ऑफिसर्स की टीम आ चुकी थी जो लगातार लियो को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, लेकिन लियो पेड़ के ऊपर छुपा हुआ था इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर उसे अच्छी तरीके से देख नहीं पाते। लियो यहाँ पर समझ ही नहीं पा रहा था कि वो इन पुलिस ऑफिसर से बचने के लिए आखिरकार क्या करे। तभी उसकी नजर एक गार्डन में जाती है जहाँ पर एक वैज्ञानिक कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था। उस वैज्ञानिक का नाम ब्रायन होता है जो अपने एक नौकर को अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल करके वो चीजें परफॉर्म कर रहा था जिससे उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए। दरअसल ब्रायन नाम के उस वैज्ञानिक ने कार बनाई होती है जो कि 50 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल सकती थी। दरअसल ये वो समय होता है जब कार का इन्वेंशन तो हुआ था लेकिन कार 10 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं चल सकती थी। इसीलिए ब्रायन ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि कार की स्पीड को वो कितना तेज कर सकता है। अब इन्हीं रीजंस की वजह से ब्रायन ने अपने एक नौकर को एक्सपेरिमेंट में शामिल किया और उसे गाड़ी के अंदर बैठाकर अपना एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया था। लेकिन ब्रायन के नौकर को अंदाजा लग चुका होता है कि इस एक्सपेरिमेंट में उसकी जान भी जा सकती है, इसीलिए वो बीच प्रोसेस में ही रुक गया और वो सारा सामान निकाल कर फेंकने लगा। ब्रायन का वो नौकर सिंपली कह देता है कि मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है इसीलिए मैं एक्सपेरिमेंट में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता और तुम अकेले ही करो, जिसके बाद ब्रायन का नौकर वहां से अपनी नौकरी छोड़कर चला गया था। अब यहाँ लियो जो अभी भी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ होता है वो सोचने लगा कि उसके पीछे पहले ही पुलिस वाले पड़े हैं, इससे अच्छा कि वो उस वैज्ञानिक की जाकर मदद कर दे जिससे कि वो पुलिस वालों से तो बच जाएगा और तो और इस वैज्ञानिक की भी मदद हो जाएगी। इसीलिए लियो बिना कुछ सोचे समझे उसके गार्डन में कूद जाता है और वैज्ञानिक ब्रायन से कहने लगता है कि मैं तुम्हारी एक्सपेरिमेंट में मदद करूंगा लेकिन तुम्हें मुझे यहाँ रहने की परमिशन देनी होगी। ब्रायन इस बात से थोड़ा सा खुश हो गया क्योंकि उसे एक्सपेरिमेंट में साथ देने के लिए कोई तो मौजूद है। और अब यहाँ बिना देरी किए ब्रायन ने लियो को वो सारे कॉस्ट्यूम पहना दिए थे जिससे कि वो अपने एक्सपेरिमेंट की टेस्टिंग करेगा। उसने तो लियो को एक कार के ऊपर भी बिठा दिया जो कि सर्कुलर पाथ में घूमती रहेगी। ब्रायन के पास स्पीडोमीटर होता है जिससे कि वो उस कार की स्पीड को चेक करता रहेगा, उसे किसी भी तरीके से कार को मैक्सिमम स्पीड में लेकर जाना है, तभी तो वो एक रेवोल्यूशन ला पाएगा कार इंडस्ट्री में। थोड़े ही समय के अंदर अंदर ब्रायन ने वो कार स्टार्ट कर दी होती है जिसमें बैठा हुआ लियो लगातार गोल गोल घूमने लगा था और उसे चक्कर भी आने लगता है। ब्रायन इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहा था लेकिन एक समय के बाद कार की स्पीड और ज्यादा तेज होने लगी। स्पीड ने तो 50 माइल्स पर आवर को भी क्रॉस कर दिया था लेकिन थोड़े समय में वो कार एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी, जिससे कि कार में बैठा हुआ बेचारा लियो बहुत तेजी से उड़ जाता है और वो तो जाकर एक पोल से टकरा जाता है जो पूरा टेढ़ा हो गया था। अच्छी बात होती है कि लियो ने हेलमेट पहना था जिससे उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। यहाँ लियो को भी अंदाजा हो चुका था कि ये एक्सपेरिमेंट कितना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए जब ब्रायन लियो के पास आया तो उसने कह दिया था कि मैं इस एक्सपेरिमेंट में और नहीं काम करूंगा फिलहाल के लिए। यहाँ ब्रायन बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन वो अब लियो से रिक्वेस्ट करने लगा कि तुम मेरे साथ आगे आने वाले एक्सपेरिमेंट में शामिल हो जाओ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए जिससे कि मैं बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकूं। हालांकि लियो इन सारी चीजों के लिए मना कर रहा था लेकिन लियो ने तभी देखा कि उस जगह पर कई पुलिस ऑफिसर्स अभी भी घूम रहे हैं, इसीलिए अगर वो ब्रायन के साथ रहेगा तो उसे रहने के लिए एटलीस्ट घर तो मिल जाएगा। इसीलिए लियो ने ये डिसीजन लिया कि वो ब्रायन के साथ रहकर उसके सारे एक्सपेरिमेंट में हेल्प करेगा। ब्रायन तो लियो को लेकर बड़े सम्मान पूर्वक अपने घर पर लेके चला जाता है, यानी कि अब से लियो ब्रायन की मदद किया करेगा उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स में। अब यहाँ ब्रायन लियो से उसके बारे में पूछ रहा था कि आखिर तुम क्या काम करते हो, लेकिन लियो ये कैसे बताए कि वो एक चोर है और चोरी करके आया था। लियो ने तो तुरंत ही बात पलट दी और अब ब्रायन लियो को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे की लाइट ऑन होने पर पता चला कि यहीं पर ब्रायन अपने सारे एक्सपेरिमेंट किया करता था। ब्रायन अब लियो को लेकर अपने रिसेंट एक्सपेरिमेंट के ऊपर जाता है जिसपे अभी वो काम कर रहा था। दरअसल ये उड़ने वाली एक मशीन होती है जो किसी एरोप्लेन की तरह काम करती थी, क्योंकि इस समय में अभी तक एरोप्लेन या फिर किसी भी उड़ने वाली चीजों का इन्वेंशन नहीं हुआ था, इसीलिए ब्रायन चाहता था
था कि वो उड़ने वाली कोई चीज बनाए जिससे कोई भी इंसान उड़ सकता है। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट अभी भी अंडर प्रोसेस है, लेकिन ब्रायन इस पे बहुत मेहनत कर रहा था। लियो भी इस एक्सपेरिमेंट को देखकर काफी प्रभावित हो चुका था। अब हमें लॉर्ड केल्विन नाम के एक आदमी दिखाए जाते हैं जो कि रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस के हेड मेंबर थे। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर कई वैज्ञानिक काम करते थे और दुनिया में होने वाले नए नए इन्वेंशन का इजाद करते थे। लेकिन लॉर्ड केल्विन इस समय बहुत ही ज्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि उनके ही बैंक से एक इम्पोर्टेंट चीज चोरी हो चुकी है जो कि उनके लिए काफी वैल्यूएबल थी। दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि वही अनजान चीज होती है जिसे कि लियो लेकर भागा था। यहाँ लियो हमें एक लेटर लिखता हुआ दिखाया जाता है जो अपने गांव में अपने फादर के पास भेज रहा था। वो तो अपने बैग से बैंक से चुराई हुई वही अनमोल चीज बाहर निकालता है जो कि एक लाफिंग बुद्धा की मूर्ति थी। लेकिन माना जाता है कि ये लाफिंग बुद्धा बहुत ही ज्यादा प्रीमियम होते हैं और इनके अपने पास रखने से काफी सारी चीजें अच्छी होती थी। दरअसल ये लाफिंग बुद्धा की मूर्ति लियो और उसके गांव वालों के पास हुआ करती थी, लेकिन लॉर्ड केल्विन और उसके लोगों ने उनसे वो मूर्ति चुरा ली और बैंक में जाकर रख दिया। और जब से लाफिंग बुद्धा की मूर्ति उनके गांव से गई है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशानी में है। यही रीजन था कि लियो बैंक के अंदर गया और उस लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को अपने साम्राज्य के लिए चुरा लिया। और अब वो अपने फादर को लेटर लिखते हुए उस मूर्ति को भेज रहा है वापस अपने गाँव में ताकि सारी चीजें ठीक हो जाए। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। हमें तो अब लीसा नाम की एक बहुत ही बड़ी गैंगस्टर दिखाई जाती है। वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और किसी को भी जान से मारने से पीछे नहीं हटती थी। हमें पता चला कि लाफिंग बुद्धा की मूर्ति इसी गैंगस्टर ने लॉर्ड केल्विन को दी होती है ताकि लॉर्ड केल्विन उसे अपने बैंक के अंदर अच्छे से स्टोर करके रख सके और जब भी लीसा और उसके गैंग मेंबर्स को उस मूर्ति की जरूरत होगी तो वो बैंक से ले लेगी। लेकिन जब लीसा को ये पता चला कि बैंक में चोरी हो चुकी है और उसकी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति वहां से गायब हो गई है तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लॉर्ड केल्विन को आकर धमकी देने लगी। लीसा कहती है कि मुझे वो लाफिंग बुद्धा की मूर्ति जल्द से जल्द चाहिए और अगर वो मूर्ति मुझे नहीं मिली तब वो लॉर्ड केल्विन को कहती है कि तुम मारे जाओगे, यानी कि मेरे गैंग मेंबर्स तुम्हें और तुम्हारी एकेडमी को पूरी तरीके से बंद करके खत्म कर देंगे। लॉर्ड केल्विन बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ चुके थे कि आखिर वो मूर्ति को कहां पर ढूंढे क्योंकि उस चोर के बारे में भी उन्हें अभी तक पता नहीं होता कि वो लियो ही है। पर फिर भी लॉर्ड केल्विन अपनी पूरी सिक्योरिटी और पुलिस फोर्सेस के साथ उस मूर्ति का पता लगा रहे थे। अब हमें ब्रायन और लियो को रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस के अंदर दिखाया जाता है। उस जगह पर बहुत सारे वैज्ञानिक अपने अपने एक्सपेरिमेंट लेकर आए थे जो कि एकदम न्यू होते हैं। ब्रायन भी अब फाइनली अपने कार का एक्सपेरिमेंट जो सक्सेसफुल हो चुका था उसे लॉर्ड केल्विन के सामने पेश करता है और सारी चीजें बताता है। लेकिन यहाँ लॉर्ड केल्विन और उसके साथ मौजूद सारे वैज्ञानिक ब्रायन के इस इन्वेंशन के ऊपर हंसने लगे थे। उन्हें ये विश्वास ही नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कर सकता है और ना ही इस समय में ब्रायन के एक्सपेरिमेंट की किसी को जरूरत है। लॉर्ड केल्विन कहने लगे कि तुम्हें वो चीजें बनानी चाहिए जो रियलिटी में लोगों की मदद कर सके। लेकिन यहाँ पर ब्रायन को बहुत बुरा लगने लगा क्योंकि उसने इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल कराने के लिए काफी मेहनत की थी। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसकी मेहनत के ऊपर सभी लोग हंसे जा रहे हैं। इसीलिए ब्रायन लॉर्ड केल्विन से एक शर्त रख लेता है। वो कह रहा था कि अगर आप लोगों को स्पीड के कोई मायने नहीं है तो पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाना जो अभी तक एकदम इम्पॉसिबल लग रहा है मैं उसे करके दिखाऊंगा, वो भी अपने बनाए गए एक्सपेरिमेंट से और सिर्फ 80 दिनों के अंदर। लॉर्ड केल्विन और वहां मौजूद सारे वैज्ञानिक उसके ऊपर हंसने लगे थे और कहते हैं कि ऐसा तो इम्पॉसिबल है, ये कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत ही ज्यादा बड़ी है, वो तो कभी खत्म ही नहीं होने वाली, तो तुम उसे पार कैसे करोगे। लेकिन ब्रायन किसी भी तरीके से कहता है कि मैं अपने बनाए गए एक्सपेरिमेंट से 80 दिनों के अंदर इस पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा के यहीं पर मिलूंगा। ब्रायन का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देखने के बाद लॉर्ड केल्विन कहने लगे कि अगर तुम शर्त हार गए तो इसके बाद तुम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते और तो और तुम वैज्ञानिक भी नहीं कहलाए जाओगे। ब्रायन ये शर्त मान लेता है लेकिन वो अपनी भी एक शर्त रखता है। उसने तो लॉर्ड केल्विन से कह दिया कि अगर मैं ये शर्त जीत गया तो तुम्हें अपना पोस्ट छोड़ना होगा जिसके बाद मैं रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस का नया हेड मेंबर बन जाऊंगा। लॉर्ड केल्विन थोड़ा सा सोचता है लेकिन उसे लगने लगा था कि ये चीजें तो इम्पॉसिबल है, इसीलिए उसने हंसते हंसते ब्रायन की इस शर्त को एक्सेप्ट कर लिया था। ब्रायन तुरंत ही अपने घर पर चला गया और उन सारे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने लगा जिससे कि वो किसी भी तरीके से इस शर्त को जीत जाए। लियो भी अब ब्रायन के पास आकर उससे कहता है कि हम ये शर्त जरूर जीत कर रहेंगे, मैं इसमें पूरी तरीके से तुम्हारा साथ दूंगा और हम पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर यहाँ जरूर आएंगे। ब्रायन लियो की इन सारी बातों से काफी खुश हो गया कि एटलीस्ट कोई तो है जो उसे सपोर्ट कर रहा है। लेकिन उसे क्या पता था कि लियो भी इसमें अपना फायदा देख रहा है क्योंकि लियो को किसी भी तरीके से अपने गाँव जाना था, यानी कि वो ब्रायन का यूज कर रहा है वहां तक पहुंचने के लिए। ये बातें अभी तक ब्रायन को नहीं पता होती, इसीलिए वो लियो के साथ मिलकर अपने इन्वेंशन में लग गया। उन दोनों
उन्होंने जल्द से जल्द मिलकर एक कार बनाई और ब्रायन ने उसके अंदर वही इंजन डाल दिया था जो कि 50 माइल्स पर आवर से ऊपर की स्पीड से चलता है। वो दोनों तो बड़े सामान के साथ निकल पड़े थे अपनी जर्नी के लिए जो 80 दिनों के अंदर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा कर आएंगे। ब्रायन और लियो ने जैसे ही कार को रोड पर उतारा तभी अचानक एक पुलिस ऑफिसर उन्हें आकर रोक देता है। वो कहने लगा कि तुम्हारी ये कार रोड पर चलने लायक बिल्कुल भी नहीं है और शायद ये लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुम्हें आगे जाने की परमिशन ही नहीं है। दरअसल बात यहाँ पर ये हुई कि ये ऑफिसर लॉर्ड केल्विन द्वारा भेजा गया था क्योंकि उन्हें इनसिक्योरिटी फील होने लगी कि आखिरकार ब्रायन अगर ये शर्त जीत गया तो उसे ये एकेडमी छोड़नी पड़ेगी। इसीलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि ब्रायन ये कंप्लीट ना कर पाए। उसने तो इसी रीजन की वजह से उस करप्ट पुलिस ऑफिसर को भेजा था उन्हें रोकने के लिए। अब ब्रायन और लियो यहाँ लगातार ट्रेवल करते हुए पेरिस में पहुंच चुके थे जिन्हें की अगले दिन जर्मनी निकलना था, लेकिन ब्रायन लियो को ये इन्फॉर्म करता है कि हम टाइम से बहुत ज्यादा लेट चल रहे हैं, हमें जल्द से जल्द ये काम खत्म करना होगा 80 दिनों के अंदर, नहीं तो ब्रायन पूरी तरीके से शर्त हार जाएगा। इसीलिए अब लियो भी काफी जल्दी करने लगा और वो लोग अपना काम आगे बढ़ाने लगे थे। तभी अचानक लियो की नजर वहां मौजूद चाइनीज लोगों के ऊपर जाती है जो अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर काम करने की कोशिश कर रहे थे। वो सारे चाइनीज लोग तो लगातार लियो को घूरते जाते हैं और उसे बहुत अजीब तरीके से देखते हैं। लियो इस बात से इतना तो समझ गया था कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि ये किसी गैंग के मेंबर हो सकते हैं जो मुझे पकड़ने आए होंगे, क्योंकि लियो भी ये बात जानता था कि उसकी वो मूर्ति के पीछे कई गैंगस्टर्स भी पड़े हुए हैं। लियो उनसे बचना चाहता था इसीलिए वो ब्रायन को लेकर एक दूसरी जगह चला जाता है जो कि एक आर्ट गैलरी थी। वहां पर तो कई सारे पेंटर्स अपनी पेंटिंग बनाते थे और लोगों को बेचते थे। लियो तो ट्राई कर रहा था कि वो उसी जगह पर छुप जाए ताकि वो सारे लोग उसके पीछे ना आए। वहीं ब्रायन अब वहां मौजूद इतने सारे ब्यूटीफुल पेंटिंग्स को देखने लगा। तभी अचानक ब्रायन की मुलाकात वहां मौजूद एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटर से होती है। उस पेंटर ने अपनी बहुत सारी पेंटिंग बनाई थी लेकिन ब्रायन को उनमें से सिर्फ एक ही पेंटिंग पसंद आती है। वो पेंटिंग एक इंसान की थी जो अपने खुद के पंखों की मदद से हवा में उड़ रहा था। ये सारी चीजें ब्रायन अपने खुद के एक्सपेरिमेंट से रिलेट कर पाता है क्योंकि वो भी हवा में उड़ने वाली एक मशीन बना रहा था जिसमें कि कोई कहीं भी जा सकता है। ब्रायन ने तो उस लेडी पेंटर का काफी सारा एप्रिसिएशन किया और उसकी पेंटिंग की काफी ज्यादा सराहना भी की। लेकिन तभी हमें यहाँ पर दिखाया गया कि लियो नोटिस करता है कि वो सारे लोग उसके पीछे आ रहे हैं पकड़ने के लिए। सभी के सभी लगातार आर्ट गैलरी के अंदर घुसकर लियो के ऊपर हमला करने लगे थे, लेकिन लियो के पास भी अपना अलग ही टैलेंट होता है। उसे बहुत ही अच्छा मार्शल आर्ट आता था जिससे कि वो अपनी प्रोटेक्शन करके उन सभी को बहुत ही ज्यादा मजा चखाता है। हालांकि उस आर्ट गैलरी की कई सारी पेंटिंग्स एकदम बेकार हो चुकी थी और थोड़े समय के लिए वहां अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन फिर भी लियो ने बड़ी चालाकी से उन सारे बदमाशों को मारा और वहां से भागने लगे। अब उस जगह पर आर्ट गैलरी का ओनर आता है जिसे जब ये पता चला कि उस लेडी पेंटर के ही कस्टमर ने ये सारी चीजें की हैं, तो वो लेडी पेंटर के ऊपर जाकर गुस्सा करने लगा और उससे कहता है कि मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ, तुम बिल्कुल भी अच्छी पेंटिंग नहीं बनाती इसीलिए कस्टमर डर के भाग जाते हैं। वो लेडी पेंटर तो खुद इस एनवायरनमेंट में काम नहीं करना चाहती थी। तभी उसे याद आता है कि ब्रायन ने ये कहा है कि हम जर्मनी की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए लेडी पेंटर उसके साथ चली गई क्योंकि उसे जर्मनी जाकर एक नया काम स्टार्ट करना था। उसने जब ब्रायन से कहा तो ब्रायन उसे अपनी टीम में शामिल कर ही लेता है। हालांकि लियो, ब्रायन और वो लेडी पेंटर आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे तभी वो सारे चाइनीज लोग लियो को पकड़ने के लिए उनके ऊपर हमला करने लगे। तीनों जल्द से जल्द एक हॉट एयर बलून में बैठ जाते हैं जो वहां रखी गई थी और लियो तो एक रस्सी से लटक कर उन सभी को मार रहा होता है। वो सारे चाइनीज लोग तो लियो को किसी भी हालत में पकड़ना चाहते थे, नहीं तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। पर लियो, ब्रायन और वो लेडी पेंटर किसी भी तरीके से हॉट एयर बलून में बैठकर कहीं दूर निकल जाते हैं, यानी कि उन सभी की जान जाने से बाल बाल बची है। ब्रायन यहाँ पर लियो से पूछने लगा कि आखिर वो सारे लोग कौन थे जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। तब जाकर लियो एक और झूठ बोल देता है कि वो सारे मेरे गांव वाले हैं, हम इतने समय के बाद मिले हैं और वो मुझे जाने नहीं देना चाहते थे इसीलिए वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ब्रायन ये सारी बातों को सच तो मान लेता है, लेकिन उस लेडी पेंटर को अब लियो के ऊपर शक हो गया था। उसे तो प्रॉपर तरीके से पता था कि वो सारे लोग लियो के कोई दोस्त नहीं थे, वो तो लियो को एक्चुअली में मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब वो तीनों हॉट एयर बलून की मदद से बचने के बाद ट्रेन से सफर तय करते हैं। यहाँ आगे बढ़ते समय ब्रायन को लगने लगा कि ट्रेन की स्पीड पहले से कम है और इस स्पीड से तो हम कभी भी आगे नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए ब्रायन तुरंत ही चला गया कंट्रोल रूम के अंदर ताकि वो ड्राइवर को कुछ बता सके। यहाँ पर अब वो लेडी पेंटर ब्रायन के जाने के बाद लियो से कहने लगी कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है,
वो सभी लोग तुम्हारे कोई गांव वाले नहीं थे और तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये भी सच है कि तुमने अपने बारे में सारी बातें ब्रायन को झूठ बताई हैं। लेडी पेंटर तो लियो को धमकी देने लगी कि अगर तुमने मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताई तो मैं तुम्हारी थोड़ी सच्चाई ब्रायन को बता दूंगी। लियो थोड़ा सा डर गया, इसीलिए वो लेडी पेंटर को सब कुछ बता देता है। उसने तो बुद्धा की मूर्ति भी दिखाई और कहा कि मैं ये अपने साम्राज्य से चुराई हुई धरोहर वापस लेकर जा रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे कई सारे गैंगस्टर्स और कई बड़े बड़े आदमी पड़े हुए हैं मुझे मारने के लिए, क्योंकि इस मूर्ति की कीमत बहुत ही ज्यादा थी। अब जाकर यहाँ पर लेडी पेंटर को सारी सच्चाई पता चली होती है लियो के बारे में, लेकिन यहाँ वो पेंटर पता नहीं क्यों लियो को धमकी देती है कि मैं ये सारी बातें ब्रायन को बता सकती हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी एक बात मानो तो मैं ये कभी नहीं कहूंगी। वो लेडी पेंटर शर्त रखती है कि तुम अपनी पूरी जर्नी पर मुझे अपने साथ लेकर चलो तो मैं ब्रायन को कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि इतने कम समय में उसकी आर्ट को समझने वाला कोई उसे पहली बार मिला है जो और कोई नहीं बल्कि ब्रायन था। और लेडी पेंटर कहीं ना कहीं ब्रायन से प्यार भी करने लगी है, इसीलिए वो पूरे सफर में ब्रायन के साथ रहना चाहती थी। लियो भी ये बात मान लेता है और अब उनके बीच ये डील फिक्स हो चुकी थी। थोड़ी देर में जब ब्रायन वहां पर आया तो लियो उससे बात करता है इन्हीं चीजों के बारे में। उसने कह दिया कि हमें लेडी पेंटर को भी अपने साथ सफर पर लेकर जाना चाहिए, इससे हमारा मनोबल बना रहेगा और हमारे पास क्वांटिटी लोगों की ज्यादा रहेगी जिससे कि हम ये सफर जल्दी तय कर लें। ब्रायन इस बारे में बहुत सोचता है और आखिरकार राजी भी हो जाता है। लियो जब ट्रेन के अंदर मौजूद होता है तो उस जगह पर वही पुलिस ऑफिसर आ चुका था जो लॉर्ड केल्विन के लिए काम करता है। उसने तो लियो को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लियो बड़ी चालाकी से उसके हमले से बच जाता है और उस पुलिस ऑफिसर को ट्रेन की खिड़की से ही बाहर फेंक देता है। हालांकि वो पुलिस ऑफिसर को बहुत ज्यादा चोट लगी थी, लेकिन इस समय उनकी जान बचानी जरूरी होती है। अब पूरी रात ट्रेवल करने के बाद वो सभी लोग पहुंच चुके होते हैं टर्की के अंदर। टर्की में कदम रखते ही वहाँ के एक बहुत ही बड़े बादशाह के कई सिपाही उनके पास आते हैं और कहते हैं कि बादशाह ने तुम तीनों को इन्वाइट किया है उनके यहाँ एक बड़ी दावत के लिए। हालांकि ब्रायन नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो सैनिक काफी ज्यादा जबरदस्ती करने लगे और उन तीनों को लेकर आ गए एक टर्की के एक बहुत ही बड़े बादशाह के पास। वो महल बहुत बड़ा होता है और वहाँ एक काफी अच्छी मूर्ति भी रखी गई थी जिसके चारों तरफ लोग घूमकर गाने गा रहे थे और डांस कर रहे थे, यहाँ तक कि वहाँ का बादशाह भी गाना बजा रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों इस बादशाह का चेहरा काफी जाना पहचाना लग रहा होता है। अब वो बादशाह उन तीनों के पास आकर उनसे इंट्रोडक्शन कराने लगा कि आखिर तुम सब कौन हो। इन सारी चीजों के बीच बादशाह को वो पेंटर काफी ज्यादा पसंद आ जाती है, इसीलिए वो पेंटर और उन दोनों को भी दावत देने के लिए चला गया और उन्हें काफी खुश रखता है। बादशाह तो लगातार उस पेंटर की तारीफ पे तारीफ करते जा रहे थे, जिससे कि कहीं ना कहीं ब्रायन को भी जलन होती है, क्योंकि वो भी अब पेंटर को पसंद जो करने लगा है। ब्रायन तो सिंपली ये कहता है कि ये पेंटिंग बनाते समय और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। इसे वो फीमेल पेंटर जो कि अभी भी ब्रायन को पसंद करती थी वो ये समझ जाती है कि कहीं ना कहीं ब्रायन के अंदर भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर बादशाह ने कह दिया कि मैं इस पेंटर से शादी करूंगा। इस बात से ब्रायन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन ये पूरा इलाका बादशाह का था। उसने सैनिकों से बोलकर ब्रायन और लियो को यहाँ से भगा दिया और अगले दिन ही वो उस फीमेल पेंटर से शादी क्यों करेगा। ब्रायन और लियो एकदम मजबूर हो चुके थे, लेकिन तभी उन दोनों को आइडिया आता है और वो दोनों बादशाह की एक बहुत ही प्रीमियम पेंटिंग को तोड़ने की धमकी दे रहे थे। बादशाह बहुत ही ज्यादा डर गया और अपने सैनिकों को कहने लगा कि प्लीज उसे रोको, लेकिन ब्रायन कहता है कि सबसे पहले तुम उस पेंटर को छोड़ो, जिसके बाद ही हम इस पेंटिंग को बचा लेंगे। बादशाह किसी भी कीमत पर उस स्टैच्यू को कुछ होने नहीं दे सकता था, इसीलिए उसने फीमेल पेंटर को उनके पास भेज दिया। ब्रायन और लियो उन्हें धमकी देते हैं कि हम इस मूर्ति को गिरा देंगे, इससे पहले तुम सभी लोग दूसरे कमरे में चले जाओ और हमें दिखाई मत देना। सारे सिपाही और बादशाह दूसरे कमरे में जाने लगे ताकि मूर्ति को कुछ ना हो, लेकिन यहाँ ब्रायन से एक गलती हो चुकी होती है। उसके हाथ में तो मूर्ति का हाथ आ चुका था, यानी कि वो थोड़ी सी टूट गई होती है, और अब मूर्ति टूटने के बाद बादशाह पता ही है उनके साथ क्या करेगा, इसीलिए तीनों अपनी जान बचाकर वहां से दूर भागने लगे। लियो ने तो मूर्ति के टूटे हुए हाथ को दरवाजे पे एक लॉक की तरह लगा दिया, जिससे कि उन्हें भागने का मौका मिल जाता है और वो तीनों जल्द से जल्द इंडिया की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन बादशाह इस तरीके से शांत नहीं बैठने वाला था। उसकी इतनी प्रीमियम मूर्ति की हालत देखकर उसने सैनिकों से कह दिया कि लियो और ब्रायन को पकड़ कर लेकर आओ। वहीं अब ये सारी बातें लॉर्ड केल्विन को भी पता चल चुकी थी कि वो तीनों लोग इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए अब उन्हें एक आइडिया आया कि इंडिया में जो ब्रिटिश आर्मी मौजूद है उससे कॉन्टेक्ट करके मैं उन तीनों को पकड़वा सकता हूँ। इसीलिए लॉर्ड केल्विन ने तुरंत ही उन ब्रिटिश आर्मी से कॉन्टेक्ट किया और उन्हें सारी बातें बता दी। इंडिया में जो ब्रिटिश आर्मी मौजूद थी वो पूरी तरीके से फैल जाते हैं ताकि वो लियो और ब्रायन को ढूंढ सकें।
यहाँ एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि लियो के ऊपर उन्हीं गैंग मेंबर्स ने भी हमला कर दिया है जो उस मूर्ति के पीछे पड़े थे। लेकिन ब्रायन और लियो किसी भी तरीके से उन गैंग मेंबर्स से भी लड़ाई करते हैं और उसे पीछे छोड़ देते हैं। ब्रिटिश आर्मी से बचते हुए लगातार वो बढ़ने लगी और अब वो चाइना पहुंच जाते हैं। लियो तो अब सीधा अपने गांव की तरफ चला गया था बिना ब्रायन को कुछ बताए। वहां के सारे लोग जब लियो को देखते हैं तो वो उसे पूरी तरीके से सम्मान देने लगे थे और वो काफी खुश भी होते हैं। अंदर जाने के बाद जब ब्रायन ने कई सारी फोटोज के अंदर लियो का चेहरा देखा तो वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। उसे नहीं समझ रहा था कि लियो इस अनजान जगह से कैसे बिलोंग करता है। तब जाकर लियो ने ब्रायन को सारी सच्चाई बताई कि कैसे लियो ने उसका यूज किया अपने फायदे के लिए ताकि वो अपने गाँव पहुंच सके। वो अपने गाँव की एक पवित्र मूर्ति को लेकर आने गया था जिससे कि हमारे गांव की सुख शांति एकदम अच्छी तरीके से बनी रहे। ब्रायन को इस बातों से बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे डबल बुरा इस बात का लग रहा था क्योंकि पेंटर को भी ये सारी सच्चाई पता थी और उसने ब्रायन से ये बातें छुपाई। ब्रायन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर बाहर की तरफ चला तो जाता है, लेकिन वहां पर गैंगस्टर के काफी लोग आ चुके थे जिन्होंने ब्रायन को पकड़ लिया। देखते ही देखते वो सारी गैंग मेंबर्स ब्रायन, लियो और वो पेंटर लेडी को लकड़ी से बने हुए एक जेल के अंदर बंद कर देते हैं क्योंकि अब उन तीनों को मार दिया जाएगा। उनमें से एक गैंगस्टर तो लियो के पास आकर कहता है कि मुझे वो मूर्ति दे दो, नहीं तो हम तुम तीनों को ही खत्म कर देंगे। कई गैंग मेंबर्स तो ब्रायन को जाकर मार रहे होते हैं जिसमें कि लियो कहने लगा कि तुम्हें अगर जरा भी हिम्मत है तो मुझसे लड़ाई करो। ब्रायन के पास कोई भी लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं है और तुम कमजोर के साथ ही लड़ रहे हो। इस बात से वो गैंग मेंबर बहुत ही ज्यादा चिढ़ गए और अब लियो को आजाद कर दिया। लियो तो अब बहुत ही बहादुरी से उन सभी का सामना तो करने लगा था, लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि इस बार लियो उनसे जीत नहीं पा रहा था क्योंकि उन गैंग मेंबर्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है और अब देखकर ऐसा लगता है कि वो सभी लोग लियो को जान से ही मार देंगे। लेकिन तभी अचानक वहां पर कॉस्ट्यूम पहने हुए कुछ योद्धाओं की एंट्री होती है जिन्हें कि 10 बेस्ट निंजास में से एक माना जाता था। ये निंजास गांव की पूरी रखवाली करते थे और बुरे लोगों से रक्षा करते थे, लेकिन हमें पता चलता है कि वो सारे अभी 9वीं हैं जिनमें से एक और कोई नहीं बल्कि लियो ही था। यानी कि लियो भी उन निंजास में से एक है जिनके पास मार्शल आर्ट की काफी अच्छी नॉलेज होती है। वो 10 के 10 निंजा मिलकर उन सभी गैंगस्टर से बहुत बहादुरी से फाइट करते हैं और आखिरकार उन्हें यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाते हैं। ब्रायन और फीमेल पेंटर को आजाद करने के बाद ब्रायन उनसे कहने लगा कि मुझे सच्चाई तो पता चल चुकी है और इसीलिए मुझे अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए। ब्रायन बहुत ही ज्यादा उदास होकर वहां से दूर निकल जाता है। ब्रायन अब अपने सफर में अकेले तो निकल चुका था, लेकिन जब वो लंदन शहर में पहुंचता है तो उसे कई लोगों ने लूट लिया था। एक लेडी तो उसका सारा सामान चुरा कर लेके चले जाती है जिससे कि ब्रायन एकदम निहत्ता हो गया और उसके पास अब खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इस हालत में वो बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं कर सकता और वहीं पर बैठा हुआ मासूमों की तरह भीख मांग रहा था। ब्रायन को लगने लगा कि अब शायद वो अपना सफर कभी नहीं कंप्लीट कर पाएगा, लेकिन तभी वहां एंट्री होती है लियो और उस पेंटर की जिन्होंने ब्रायन को ढूंढ निकाला था और उससे माफी भी मांगते हैं। ब्रायन अपने उन दोस्तों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और उन्हें गले लगा लेता है, जिसके बाद उन तीनों ने अपनी जर्नी वापस से स्टार्ट कर दी जहां वो अब न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं अब हमें लॉर्ड केल्विन को दिखाया गया जो लिसा नाम की उसी गैंगस्टर के साथ मिलकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। लिसा मैप पर देखते हुए बता रही होती है कि अगर हमें वो मूर्ति नहीं मिल रही तो हम एटलीस्ट उस गांव के अंदर मौजूद बहुत सारे सोने और बहुत सारे हीरे तो ले सकते हैं जो उस गांव की जमीन के अंदर मौजूद थे। लॉर्ड केल्विन कहता है कि ऐसा जरूर मुमकिन है, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। लॉर्ड केल्विन लिसा से यही कहता है कि तुम किसी भी तरीके से ब्रायन की उस जर्नी को रोक दो, क्योंकि अगर वो ये टास्क करने में कामयाब हो गया तो लॉर्ड केल्विन को अपनी पोस्ट छोड़नी होगी और उसके हाथ से सारे अधिकार छूट जाएंगे। इसीलिए अब लिसा नाम की वो गैंगस्टर अपने सभी लोगों के साथ निकल पड़ती है ब्रायन को मारने के लिए। यहाँ ब्रायन, लियो और वो पेंटर एक डिजर्टेड वाले एरिया में होते हैं जो कि लगातार एक ट्रेन की मदद से आगे बढ़ते जा रहे थे और वो सभी न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अब हमें पता चला कि न्यूयॉर्क के सारे लोग उनके बहुत बड़े फैन हैं और चारों तरफ ये खबर फैल चुकी है कि ब्रायन और उसके दोनों साथी किस तरीके से पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं और अब तक यहाँ पर आधे से ज्यादा दिन का टाइम पीरियड खत्म भी हो चुका था। ब्रायन ने तो इतने समय में कई सारी जगहों पर घूम लिया होता है और ऑलमोस्ट 40% पृथ्वी का चक्कर लगा लिया होता है। इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग देखकर ब्रायन, लियो और वो पेंटर काफी ज्यादा खुश हो गए, लेकिन बीच में ही अचानक वो पुलिस ऑफिसर आकर उन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। दरअसल ये नकली पुलिस ऑफिसर था जिन्हें कि उस गैंग मेंबर्स ने भेजा होता है।
उन तीनों को लीसा और उसके लोगों के सामने पेश किया गया। लीसा तो कह रही होती है कि अब ब्रायन और लियो को मरना होगा क्योंकि वो अब आगे नहीं बढ़ सकते। सभी लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं उन तीनों को, लेकिन तभी लियो ब्रायन और पेंटर से कहता है कि तुम दोनों चले जाओ अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए। तुम्हारा टास्क कंप्लीट करना जरूरी है, नहीं तो तुम कोई इन्वेंशन कर ही नहीं पाओगे। इन सारे लोगों को मैं अकेले संभाल लूंगा। लेकिन अब ब्रायन टफ डिसीजन लेने से पहले बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए इन्वेंशन, फिलहाल के लिए तुम उससे ज्यादा जरूरी हो, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लियो, ब्रायन और वो पेंटर तीनों मिल गए और उन सारे गैंगस्टर को मिलके मारने लगे। लियो ने तो लीसा नाम की उस गैंगस्टर को ही खत्म कर दिया, जिससे कि सारे लोग बिखर गए और धीरे धीरे करके वो तीनों उन गैंगस्टर को मजा चखा कर आगे बढ़ने लगे। अब वो तीनों शिप की मदद से पानी का रास्ता तय कर रहे होते हैं, लेकिन ब्रायन ने थोड़ा कैलकुलेशन लगाया और उसे ये पता चला कि शिप जिस स्पीड से बढ़ रही है वो अपनी पोजीशन तक नहीं पहुंच पाएंगे और उनके पास टाइम भी बहुत कम था। और सबसे बुरी बात ये होती है कि थोड़ा आगे बढ़ते ही उस शिप की रिसोर्सेज भी खत्म होने लगे थे। अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद ब्रायन वहां पर मौजूद कुछ पक्षियों को देखता है, जिससे कि उसे एक आइडिया आया कि वो इस नाव में जितने भी रिसोर्सेज मौजूद हैं उसकी मदद से एक प्लेन बनाए जो हवा में उड़ सकता था। इसी बात से डिस्कशन करने के लिए ब्रायन तुरंत ही उस शिप के कैप्टन के पास चला गया। ब्रायन ने तो शिप के कैप्टन से कहा कि मुझे तुम्हारी शिप की जरूरत है अपने इन्वेंशन के लिए, अगर मैं कामयाब हो गया तो पहुंचने के बाद मैं तुम्हें एक नई शिप गिफ्ट कर दूंगा। ब्रायन की इस कॉन्फिडेंस को देखकर वो कैप्टन भी मान गया होता है और उसने शिप को ब्रायन के हवाले कर दिया। ब्रायन शिप पर मौजूद सारी लकड़ियों और कपड़ों की मदद से एक प्लेन की तरह स्ट्रक्चर बनाने लगा जो हवा में उड़ सकता था। कुछ ही समय के अंदर अंदर लगातार मेहनत करने के बाद ब्रायन ने वो स्ट्रक्चर तैयार भी कर लिया, जिससे कि वो जल्द से जल्द स्टार्ट करके हवा में उड़ने भी लगता है। ब्रायन, लियो और वो पेंटर उसी प्लेन के अंदर मौजूद थे जो लगातार आगे बढ़ते जा रही थी और अब वो लंदन के ऊपर पहुंच चुकी होती है, जिन्हें की सारे लोग देख पा रहे थे। पर अचानक से ऊंचाई पर आने के बाद उनकी रस्सियां टूटने लगी, जिससे कि प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसी दाल लंदन की जमीन पर आकर गिर गई। अब उस जगह पर लॉर्ड केल्विन भी आ चुका था, जो उन दोनों से कहता है कि तुम शर्त हार चुके हो, तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है, इसीलिए लॉर्ड केल्विन उन तीनों को गिरफ्तार करने के लिए कह रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में उस जगह पर वो पुलिस ऑफिसर आ गया जो कि लॉर्ड केल्विन के लिए काम करता था। उसे सच्चाई पता होती है, इसीलिए उसने सारे लोगों को केल्विन के बारे में बता दिया कि किस तरीके से वो शर्त को जीतने के लिए ब्रायन के सफर में रुकावट डालता था। सभी को आखिरकार लॉर्ड केल्विन की सच्चाई के बारे में पता तो चल चुका होता है, लेकिन लॉर्ड केल्विन सभी से गुस्सा होकर कहने लगा कि अगर तुम्हें पता है तो तुम सब कर भी क्या सकते हो। लॉर्ड केल्विन बहुत ही एरोगेंट वे में हंसने लगा, लेकिन तभी उसके पीछे क्वीन आ जाती है, जिसने सारी बातें सुन ली थी और उसे सब समझ में आ चुका था। उन्होंने तो सीधा लॉर्ड केल्विन को सजा दे दी और उन्हें जेल में बंद कर दिया। अब यहाँ क्वीन ब्रायन और उसके साथियों को काफी अच्छी तरीके से सम्मानित करती है, क्योंकि ब्रायन ने आखिरकार वो इन्वेंशन कर ही लिया जो इंसानी जगत के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता था। और अब क्वीन ब्रायन को ही रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस का हेड मेंबर बना देती है। तब जाकर क्वीन ने एक और शॉकिंग बात बताई कि तुम सभी के पास एक दिन और बचा हुआ है, क्योंकि जब भी ब्रायन और उसके साथी कोई भी देश क्लियर करते थे तो लॉर्ड केल्विन घड़ी में से एक घंटा माइनस कर देता था और इन्हीं सारी चीजों को फेयरली कैलकुलेट करने के बाद एक दिन बच जाता है। यानी कि ब्रायन, लियो और पेंटर तीनों ने मिलकर ये शर्त जीत ली है, जिससे कि वो काफी खुश हो जाते हैं और इंजॉय करने लगते हैं। हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।